दुनिया भर में प्रेम, सद्भाव, एकता और अखंडता को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वामी सुशील गोस्वामी जी के 80वें जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में सभी धर्मों के शीर्ष धर्माचार्य एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अपने जन्मदिन के अवसर पर स्वामी सुशील गोस्वामी ने कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले एक भारतीय हैं। बधाई मेरे को नहीं है, मेरे साथ जितने प्रेम करने वाले, सद्भाव करने वाले सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो अपने आप में सारे धर्मगुरु संस्था हैं। और कल ये डिसाइड हुआ और हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरे में इतना साहस नहीं था कि मैं उनको कहता कि मैं शामिल नहीं होता। वो मेरे लिए इतना प्यार और मोहब्बत लगा रहे हैं तो मैं आया, जबकि हमें सबको जाना है। हमारे पार्लियामेंट के ही सदस्य हैं, हमारे भारतीय सर्वधर्म संसद के हितकारी जी की बेटी की शादी है बुलंदशहर में, हम सबको वहाँ जाना है। तो लालपुरा जी को भी कहा हमने, कल ऐसी फ़ोन आया, दोस्ती के नाते आता है, तो उन्होंने कहा मैं भी आऊँगा। तो ये एक प्यार है, मोहब्बत है, जो हम पूरे देश में एक मैसेज दे रहे हैं कि सब भारतीयों को एक होकर इस भारत के लिए सोचना होगा। सबसे बड़ा धर्म अगर हमारा है तो भारतीय होना है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम बाद में हिंदू हैं, बाद में सिख, मुसलमान और अन्य धर्मों से हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हमारे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। जब तक हम भारतीय सोच नहीं उत्पन्न करेंगे, भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मेरा मानना है, नहीं है ये मेरे जो समझदार भारतीय हैं उस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमको भारत की उन्नति चाहिए तो हर वर्ग का सहयोग हमको लेना होगा, सबको इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे। और वही प्रयास है, छोटा फंक्शन है मगर मैसेज बहुत बड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो नेटवर्क 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत। अल्पसंख्यक आयोग क्या कुछ बेहतर करने जा रहा है? ये अल्पसंख्यक आयोग अलग से रह के कुछ नहीं कर सकता। पूरा देश और पूरे भारत की जो विकास की स्कीमें हैं वो सारे नागरिकों के लिए एक हैं। उनकी गिनती करीब 225 है और 15 स्पेशल स्कीम्स हैं मिनोरिटीज़ के लिए। अगर आम भारतीय नागरिक को 225 स्कीमें हैं तो मिनोरिटीज़ के लिए 240 स्कीम है। हम सभी भारतीय हैं, हमने देश की आज़ादी के लिए सबने मिलके काम किया है, देश के विकास के लिए भी मिलके काम कर रहे हैं और हम सभी एक मिलके काम करें और कैसा ऐसी सद्भावना पैदा हो, इसके लिए ये सर्वधर्म संसद भी काम कर रही है। मैं भी 6 मिनोरिटीज़ का वकील हूँ और सातवीं के बिना हम जी नहीं सकते। बुके वही बनता है जिसमें तरह तरह के फूल हो, ये बुके सुंदर बने, खुशबूदार बने और देश अच्छा बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा जो आप जनता तक पहुंचाना चाहें, जनता जो समझे कि कुछ बेहतर होने जा रहा है? देखो, अभी तो ये इलेक्शन के दिन है, ऐसी बात कोई मुंह से कहना वाजिब नहीं। देश में 3 चीज़ों की कमी थी। एक थी कि जो मिनोरिटीज़ हैं वो असुरक्षित महसूस करवाई जा रही थी, दूसरा सेंस ऑफ इनइक्वालिटी क्रिएट की जा रही थी, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट की जा रही थी। ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि ये सारे डर दूर किए जाएं और हम सब मिलके एक जिम्मेवार भारतीय, एक सशक्त भारतीय मिलके काम कर रहे हैं और देश को दुनिया का एक नंबर देश अभी बन के सामने आ जाएगा। हम 11 से 5वें नंबर पे आ गए हैं। कट्टरता किसी भी धर्म, समुदाय या देश के लिए
बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए प्रेम से रहिए, सद्भावना से रहिए और देश को आगे बढ़ाइए। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा। आज हमारे स्वामी सुशील गोस्वामी जी 80 वर्ष के हुए हैं और इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ रखा गया हमारे साथियों की तरफ से। स्वामी सुशील गोस्वामी जी से हमारा पिछले 10-12 साल से बहुत निकट संबंध है और ख़ास तौर से वो अपना जन्मदिन जो है सद्भावना दिवस के तौर पर मनाते हैं। और स्वामी जी के बारे में हम ये कहते हैं कि हम उनके लिए शुभकामनाएं हमारी के 80 साल के वो हो गए हैं और स्वस्थ रहें और आगे भी इस तरह की चीज़ें वो करें। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इस देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का काम जो स्वामी जी कर रहे हैं वो देश की एक बहुत बड़ी सेवा है। स्वामी जी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी जी का जो भी एकता मिशन है जिसको हम लोग उनके साथ साथ चलते हैं, उनका जैसा आदेश होता है जहाँ जहाँ जाना होता है हम लोग साथ साथ जाते हैं। और स्वामी जी में एक बहुत बड़ी बात है, मैंने स्वामी जी से पहली बार मिला था तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ और उनके आश्रम के पास मैं रास्ता भूल गया तो स्वामी जी खुद सड़क पर आ गए कि मैं सड़क पर आ रहा हूँ, मेन रोड पर आके खुद पैदल आके उन्होंने फिर मुझे रास्ता दिखाया। तो इतने महान आदमी की मैं क्या बात करूँ आपको कि हमारे देश में ऐसे महान लोग हैं जो सिर्फ एकता की बात करते हैं। और इस वक्त जो भारत का मूल मंत्र है वो एकता है। हमारी एकता जो होगी वो हमको इतना मजबूत करेगी कि जैसे विश्व शक्ति जो है वो भारत के पास आ जाए, यही हमारी मनोकामना है और इसी के लिए हम महाराज के साथ काम कर रहे हैं। परम श्रद्धेय, परमात्मीय, तपस्वी, यशस्वी और खास करके भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक, सभी धर्मों में समन्वय और सभी धर्मों की एकता का पाठ जन जन को पढ़ाने वाले हमारे परम श्रद्धेय गोस्वामी सुशील जी महाराज जी का 80वां अवतरण दिवस है, उनका जन्म दिवस है। निश्चित रूप से जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में घर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति 80 साल के पड़ाव पर पहुंच चुका है वो चलता फिरता एक तरीके से विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है। आज गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब 80वें साल पर प्रवेश कर चुके हैं लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका साहस, उनका संबल आज भी एक युवा की भांति दैदीप्यमान है और प्रदीप्त है। सुशील जी महाराज आज भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी कर्मठता के साथ कार्य कर रहे हैं, सर्वधर्म समन्वय का पाठ जन जन को पढ़ा रहे हैं। देश हो, विदेश हो, भारत के बाहर अनेकों वो यात्राएं निरंतर वर्षों में करते रहे हैं। अभी हाल ही में वो अमेरिका गए, मोरक्को गए, तो उनकी ऊर्जा का कोई जवाब नहीं है। सुनील महाराज जी की जन्मदिन थी और जन्मदिन में सबसे अच्छी बात लगी, जन्मदिन में तो बहुत लोगों की मनाई जाती है लेकिन सर्व समाज को लेके पूरे भारत के लोगों को जोड़ने वाले ऐसे हमारे सुनील महाराज जी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर हमारा जीवन है तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलें। अगर हम सबको साथ लेके चलते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं, अगर हम लोग भिन्न भिन्न में बढ़ जाएंगे तो हम क्या आगे कर पाएंगे, ये सबको सोचना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर ये वाली बात है, हम लोग आपस में हैं भाई भाई, तो कहने से नहीं अब करने से होगा। और आज हमारी जो संस्था परम पूज्य दलाई लामा जी के आशीर्वाद से बनाया सर्वधर्म संसदीय, हमारे नेत्र अध्यक्ष सुशील गोस्वामी जी का 80वां जन्मदिन के लिए यहाँ क्रिश्चियन संस्थाओं के ओर से आयोजन किया है और इसलिए उनको बधाई देने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। मैं आज इस शुभ अवसर पर जहाँ हम सुशील महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं उनको ढेर सारी बधाई देते हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके लिए कि प्रभु ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। स्वामी जी सर्वधर्म सम्मेलन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हमारी आशा है कि आगे भी वे इसी तरह समाज कल्याण के लिए, भारत के उत्थान के लिए काम करते रहें। सर्वधर्म संसद के संस्थापक संरक्षक हमारे पूजनीय सुशील गोस्वामी जी महाराज का जन्मदिन है और सभी यहाँ पर लोग यहाँ पर सभी आए हुए हैं, सबने महाराज जी के मंगलमय जीवन की कामना की है और महाराज जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में कि उनको शतायु बनाए
ताकि वो देश और धर्म संस्कृति के लिए कार्य करते रहें। शुभकामना। आज हमारे प्रिय मित्र स्वामी सुशील जी का बर्थडे था, तो उनके शुभकामना देने के लिए आज हम यहाँ आए थे। सुशील जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है, हम वो भी आर्टिस्ट रहे, मैं भी आर्टिस्ट रहा, हमारी भी फिल्म प्रोडक्शन रही, तो हमारा उनसे हर किस्म के संबंध रहा, पॉलिटिक्स में भी, फिल्म में भी है। और यहाँ जो है इंटरफेथ की बात है, आज ने आपने देखा हर धर्म के लोग गुरु आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज आता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हुए हैं, हमें चाहिए कि हम मिलके रहें, हमारा देश जो है विश्व गुरु तभी बन सकता है अगर हम जो है सबके लिए काम करें, यही हम कोशिश कर रहे हैं कि देश को सिर्फ विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद। सुशील जी महाराज का जन्मदिन है, वो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है, और उनके इस जन्म दिवस पे, 80वें जन्म दिवस पे मुझे आने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे इंसान हैं जो हर किस्म से अनुकरणीय हैं, और हम ऐसे इंसान को अपना एक प्रतिबिंब बना कर चलेंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी। और मोदी सरकार ने भी ऐसे सर्वधर्म के बढ़ाने वाले नेताओं को और संतों को बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया है, और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ कि सुशील जी महाराज का जन्मदिन का सौभाग्य मिला। आचार्य श्री के 80वें अवतरण दिवस, हम लोग महान लोगों के जन्मदिन को कभी जन्मदिन नहीं बोलते, उसको अवतरण दिवस बोलते हैं, उनके अवतरण दिवस पर आज मुझे आने का मौका मिला, उनको शुभकामनाएं दी, और उनकी लंबी आयु के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो 80 साल के हैं, मैं तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए किसी को कि 80 साल के हैं, मैं तो उनको अभी भी जो उनकी ऊर्जा है, जो काम करने की क्षमता है, मुझे लगता है वो अभी 60 साल के हैं, अभी 40 साल और रह करके वो अपनी प्राणी मात्र के लिए देश की सेवा करेंगे। इन्हीं भावना के लिए मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ।